गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 24 जुलाई और रात के बज रहे हैं 1। बेहद खास सेशन है जिसके लिए हम लोग आपको इतनी रात में परेशान कर रहे हैं। अपनी पोर्टफोलियो सीरीज के 5 वीडियोस देने के बाद फ्रेंड्स, 6 शेयर ढूंढने में हमें करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा लग गया। 5 पोर्टफोलियो शेयर्स देने के बाद जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स थे वो तब से लगातार कह रहे थे कि छठा पोर्टफोलियो शेयर आप कब लेकर आएंगे, और पिछले करीब 15 दिनों की स्टडी के बाद आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स पोर्टफोलियो शेयर नंबर 6। बेहद शानदार स्टडी होगी और इस पूरे सेशन को यकीन है हमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूरे सेशन को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस पर्टिकुलर सेशन को बनाने के लिए हमने उन सभी नियमों को इस्तेमाल किया है जो नियम अभी तक निवेश के आसान नियम की सीरीज़ में वॉरेन बफेट और रामदेव अग्रवाल जी के द्वारा न केवल हम लोगों को सिखाए गए हैं बल्कि अब हम धीरे धीरे उन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरे सेशन के दौरान। फ्रेंड्स, जो सेक्टर हमने चुना है वो सेक्टर है इंडियन कंज्यूमर्स की हैबिट के अकॉर्डिंग ही, और सेक्टर है सिनेमा का। करंटली जो इससे पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करता था इंडिया में, वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई किया गया मल्टीपल स्क्रीन्स मल्टीप्लेक्सेस के द्वारा, जिनमें 2 सबसे शानदार नाम हमारे सामने आए, एक था PVR और दूसरा आईनॉक्स। और हम सभी को पता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 100 साल पहले से शुरू होकर और अभी भी है और आगे आने वाले 100 साल तक भी चलेगी। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां देश में आ तो गई हैं बट वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कॉम्पिटिशंस खास करके स्क्रीन्स को नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये अब एक कंज्यूमर हैबिट बन गई है जिसमें लोग वीकेंड मनाने के लिए बाहर जाते हैं और अभी भी फिल्मों को उसी तरह से इन्जॉय करते हैं बड़े पर्दे पर जैसे इससे पहले किया करते थे। तो आज का ये हमारा पोर्टफोलियो शेयर नंबर 6 इसी सेक्टर के अंदर है, और सबसे मज़ेदार चीज़ है फ्रेंड्स कि इस सेक्टर की 2 सबसे अच्छी कंपनियों को हम कंपेरेटिव स्टडी करके आपको बताएंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर शेयर जिसे हमने चुना है पोर्टफोलियो नंबर 6 के तौर पर इतना शानदार है, हमारे अगले पोर्टफोलियो शेयर बनने की काबिलियत रखता है। सो 2 शेयर्स हमारे पास में थे, सबसे पहला था PVR और दूसरा था आईनॉक्स, और दोनों की कंपेरेटिव स्टडीज पूरे सेशन के दौरान चलेगी। ध्यान से देखते रहिएगा फ्रेंड्स, करेंटली PVR ट्रेड कर रहा है 1782 रुपए पर, NSE और BSE दोनों पर ही लिस्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम, 4 लाख शेयरों का वॉल्यूम करीब NSE पर होता है इसका, और BSE पर वॉल्यूम होता है 19,000 शेयरों का अप्रॉक्सीमेट एवरेज। अब जरा ध्यान से देखिए, स्टैंड अलोन बेसिस पर मार्केट कैप 8,000 करोड़ की, यानी मिड कैप का शेयर है ये। अर्निंग पर शेयर 36.36 का, बहुत ही बढ़िया। PE 48 का, ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है, और ये वो जगह थी जहाँ से इस शेयर की वजह से हमारा मन थोड़ा सा खराब हुआ और हमने कहा कि अब कंपेरेटिव स्टडी करनी शुरू करते हैं, इसकी डिग डीप करते हैं इसे। ओके, बुक वैल्यू ध्यान से देखिए, 250 रुपए की बहुत ही शानदार बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 का है, ये थोड़ा सा और महंगा, यानी PE भी महंगा है और प्राइस टू बुक भी थोड़ा सा महंगा है। कोई बात नहीं, डिलीवरेबल वॉल्यूम्स तकरीबन 30% के हैं, इंडस्ट्री का PE तकरीबन 20 का है। तो 2 चीज़ें यहाँ से हमें निकलकर सामने आ रही हैं हमारे पास में, जो कि है एक PE 50 का और एक प्राइस टू बुक जो कि 7 का है, ये तकरीबन महंगा लग रहा है। अगर इसी कैटेगरी के अंदर हमको कोई इससे सस्ता शेयर मिल जाए जिसके बाकी के और कंपेरेटिव स्टडी भी अप्रॉक्सीमेट इसी की जैसी या फिर इससे बेहतर हो, तो वो शेयर हमारे लिए अगला पोर्टफोलियो शेयर हो सकता है। और नाम आया आईनॉक्स लेजर का। जी हाँ, आप सभी को पता है मल्टीप्लेक्सेस की एक सीरीज बहुत ही शानदार, 19 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, 500 से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ में। चलिए कंपेरेटिव स्टडी शुरू करते हैं। BSE पर लिस्टेड है शेयर 317 रुपये पर, तो यानी इस शेयर के मुकाबले तकरीबन 20% ही है इसकी वैल्यू मार्केट की। ओके, और अब जरा ध्यान से देखिएगा, मार्केट कैप कंपनी का है 3,000 करोड़ रुपए, यानी ये है स्मॉल कैप की कंपनी। PVR है मिड कैप की, कोई बात नहीं। अर्निंग पर शेयर सिर्फ 13 का है, जो कि बहुत कम है PVR की तुलना में, बट एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, 13 के अर्निंग पर शेयर को लेकर इसका PE 24 का है,
और साथ ही साथ प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 का है, यानी एक नज़र में ये शेयर कहीं बेहतर है पीवीआर से, पहली नज़र में सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखते हुए। बुक वैल्यू तकरीबन 93 की है और प्राइस टू बुक 4 का और पीई 24 का, यानी कम से कम पीवीआर से तो ये सस्ता है। अब हम आते हैं इसके डिलीवरेबल वॉल्यूम पर जो कि है 65%, बहुत ही शानदार है। अब ज़रा दिल थाम कर बैठिए, जैसे जैसे ये स्टडी आगे बढ़ती जाएगी आपको इस स्टडी में मज़ा आने लगेगा। पीवीआर के जो प्रमोटर्स हैं उनमें हैं अजय बिजली, माफ़ कीजिएगा, सेलिना बिजली। टोटल जो प्रमोटर्स के पास में हिस्सा है वो करीब करीब 19% या 20% के करीब है। वहीं आइनॉक्स के जो प्रमोटर्स हैं वो हैं गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड, और तकरीबन 51% हिस्सा रखती है अपने पास। और फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा, आप में से वो जो हमारे लाइव सेशन से लगातार जुड़े हुए हैं, गुजरात फ्लोरो हमारा गिफ्ट शेयर के तौर पर दिया हुआ शेयर था। फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं कंपनी के। ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीवीआर के पिछले 6 क्वार्टर्स के जो भी म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनके पास पीवीआर की होल्डिंग कितनी है। एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, मार्च 18, जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18, यानी कि ये उल्टे क्रम में है और मार्च 18 से हम धीरे धीरे जून 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा नीचे ये सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं, इनकी होल्डिंग्स देखते रहिएगा, अचानक से पीवीआर की होल्डिंग कम होती जा रही है। ध्यान से देखिए, एक समय 44 लाख के करीब शेयर रहा करते थे म्यूचुअल फंड्स के पास, जो बढ़कर 60 लाख देन 63 लाख हुए, अचानक से उनमें कमी आई 58 लाख, 40 लाख और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 27 लाख शेयर बचे हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, यानी करीब करीब आधे हो गए हैं सितंबर 18 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। ऐसा क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स आखिर पीवीआर से भाग क्यों रहे हैं? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि पीवीआर पी पर महंगा होता जा रहा है? खैर, अगर म्यूचुअल फंड्स पीवीआर से भाग रहे हैं तो आइनॉक्स लेजर पर म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, जरा इसे ध्यान से देखिए। एक समय जो तकरीबन 153 लाख के करीब शेयर हुआ करते थे म्यूचुअल फंड्स के पास, वो बढ़कर 161 लाख, 184 लाख, 186 लाख, 157 लाख और करंटली 143 लाख के करीब हैं। यानी आइनॉक्स लेजर में अभी भी निवेशकों का और म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट बरकरार है पीवीआर की तुलना में। ये सेकेंड इंडिकेशन है, माफ कीजिएगा, इंडिकेशन है कि आपको इस शेयर को अपने रडार पर रखना चाहिए। खैर, थोड़ा सा और डिग डीप करते हैं, चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ दोनों की। ध्यान से देखिए, टोटल शेयर कैपिटल पीवीआर की, टोटल शेयर कैपिटल अप्रॉक्सीमेट स्टैटिक है 46 करोड़ पर, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखिएगा, 807906 और 1162 करोड़, ये है कंपनी का कैश रिजर्व। बट ज़रा कंपनी का लोन देखिए, अप्रॉक्सीमेट इसके कैश रिजर्व के बराबर ही है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, क्या कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ तकरीबन 1100 करोड़ की है, करंट एसेट कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ के, यानी आज की डेट में अगर कंपनी को अपनी करंट लाइबिलिटीज़ चुकानी पड़ जाएंगी तो कंपनी का पूरा कैश रिजर्व इस्तेमाल हो जाएगा और कंपनी के पास फिर भी डेट रह जाएगा। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा हमको कॉशियस होने पर मजबूर करती है, और बैलेंस शीट देखने के बाद पीवीआर बहुत लंबे समय के लिए निवेश करने का मन हमारा नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं, बुक वैल्यूज़ ध्यान से देखिए, 182, उसके बाद 203, 225 और 258 रुपए, लगातार बढ़ती हुई बुक वैल्यू कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शा रही है। बट वहीं दूसरी तरफ जरा आइनॉक्स की बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, टोटल शेयर कैपिटल 96 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़, कैश रिजर्व को ध्यान से देखिए, कंपनी का लगातार स्टैटिक तरीके से बढ़ा है पिछले 3 सालों में, 450 करोड़, 573 करोड़, 861 करोड़, जी हाँ थोड़ी सी पोजीशंस जो है वो लिक्विडेट की गई हैं। बट कंपनी का लोन ज़रा ध्यान से देखिए, कंपनी का लोन सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़ है। अगर आज की डेट में करंट लाइबिलिटीज़ कंपनी को पूरी की पूरी चुकानी भी पड़ जाएँ तो भी कंपनी के पास कैश रिजर्व में से तकरीबन 400 करोड़ रुपए बचे रह जाएंगे, यानी कंपनी की हालत इस मामले में कहीं बेहतर है। बुक वैल्यू ध्यान से देखिएगा, कंपनी की तकरीबन पिछले 3 सालों में तेज़ी से बढ़ी है, 57 रुपये, 70 रुपये और 93 रुपये। सो बैलेंस शीट जब आप देखते हैं एक नज़र, तो डेट वाला इस हिस्सा और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कहीं बेहतर मिलता है हमको आइनॉक्स के अंदर, और स्पेशली करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का रेशियो। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ज़रा ध्यान से देखिएगा, टोटल टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीवीआर का देखते हैं, देन आइनॉक्स का देखेंगे। ठीक है, पीवीआर का टर्नओवर रेशियो देखिए, कॉन्टिन्यूअसली टॉप लाइन बढ़ती रही है, 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2000 करोड़, 2200 करोड़ और 2746 करोड़। इसे कंपेयर कीजिए आइनॉक्स के साथ में, तो आइनॉक्स की जो टॉप लाइन है वो थोड़ी सी कम है, इसका मतलब है कि पीवीआर का बिजनेस आइनॉक्स से कहीं ज़्यादा है, उसके पास स्क्रीन ज़्यादा हैं। बट इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
92 करोड़, 121 करोड़, 172 करोड़, ये रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आपको यहां समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। इस नेट प्रॉफिट को आप कंपेयर कीजिएगा आइनॉक्स लेजर के नेट प्रॉफिट से, तो दोनों में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। समझ में कहां आएगा? जब हम इनके रेशियोज खोलेंगे, अभी नहीं। जरा इन कंपनी के, इन दोनों कंपनियों के मार्जिन्स को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 18% के करीब है पीवीआर के, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए तकरीबन 6.5% पर है। यानी पीवीआर 100 रुपए का धंधा करके 6 रुपए अपनी जेब में रखती है। जरा आइनॉक्स के प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% पर और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.5% का है। यानी कि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आइनॉक्स पीवीआर से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर, यानी जितनी कैपिटल लग रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों शामिल हैं, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न जितना शानदार कंपनी के लिए उतना ही अच्छा। ध्यान से देखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 18% का है आइनॉक्स पीवीआर का, माफ कीजिएगा, ठीक है, पीवीआर का, और पिछले 2 सालों में कितना रहा है 16%, और उसके बाद अभी 18%। जरा आइनॉक्स का देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5% से बढ़कर 23% के करीब हुआ है। और ये वजह है कि धीरे धीरे पीईआई होने की वजह से म्यूचुअल फंड्स निवेशक जो हैं वो धीरे धीरे पीवीआर से निकल रहे हैं। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट रेशियो और है, जो कि है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि उसकी इन्वेंट्री कितने ज़्यादा साइकिल्स लगा रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा है कंपनी के लिए उतना ही शानदार। यहाँ भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पीवीआर कहीं बेहतर है, आइनॉक्स कहीं बेहतर है पीवीआर से। इन सब के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे लास्ट में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली है, वो है मैनेजमेंट। आइनॉक्स के मैनेजमेंट में किशोर बियानी जी भी शामिल हैं। कौन है किशोर बियानी जी? ये वही हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं फ्यूचर रिटेल ग्रुप के, वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन इंडिया की, बहुत ही भरोसेमंद और जाने माने डायरेक्टर। ठीक, अब ज़रा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन देखिए कि आइनॉक्स और पीवीआर के बीच में बिजनेस आपने देख लिया कितने का अंतर है। आइनॉक्स के पास टोटल 19 स्टेट्स में 64 सिटीज़ में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन, कितनी स्क्रीन में अभी वर्तमान में इनके पास में है। टोटल आइनॉक्स के पास हैं 512 स्क्रीन्स और पीवीआर के पास हैं टोटल 748 स्क्रीन। सो 748 स्क्रीन लेकर पीवीआर का नेट प्रॉफिट मार्जिन और साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 17% है। वहीं आइनॉक्स के पास सिर्फ 512 स्क्रीन हैं और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 22 का है। इस सब के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, प्रपोज्ड आइनॉक्स के पास में स्क्रीन्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में होने वाली हैं वो हैं 60। टोटल 12 सिटीज़ में 60 नई स्क्रीन्स लॉन्च करने वाले हैं ये। इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद फ्रेंड्स, एनालिसिस करने के बाद और सबसे लास्ट में आइनॉक्स का चार्ट देखने के बाद, हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि पोर्टफोलियो शेयर नंबर 6 के तौर पर आइनॉक्स है हमारे लिए अगली पसंद। ध्यान रखिए कि पोर्टफोलियो शेयर के तौर पर जब आप किसी शेयर को बाय कर रहे हैं तब उसे हमेशा छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में बाय कीजिए, करंट मार्केट की कंडीशन देखते हुए कि निफ्टी और इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, छोटे छोटे चंक्स के अंदर बाय करते रहिए। पोर्टफोलियो शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने का समय मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स या फिर उससे भी लंबे समय का है, और बीच बीच में रेगुलर प्रॉफिट बुक करते रहिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अपनी इस एनालिसिस और इस स्टडी को करते समय हमने पूरी एहतियात बरती है, पूरी कोशिश की है कि डिटेल के अंदर जाएं, ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, बट स्टडी और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ में की है, और कोशिश की है कि आपको भी ये समझाने की कि क्यों ये पर्टिकुलर शेयर हमारे पोर्टफोलियो शेयर नंबर 6 होने के तौर पर काबिलियत रखता है। उम्मीद है कि जो ये हमारी स्टडी है ये आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि इस स्टडी में कहीं कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप और फर्दर ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि हमारा ये वीडियो न केवल आपको पसंद आएगा बल्कि आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो फॉर्म करने में भी आपकी मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स।
थैंक यू वेरी मच।